नमस्कार। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो देख लो। देसी देख, पिगर ब्रेक, पिगर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। वीडियो बहुत ख़ास है, शुरू से लास्ट तक अगर देखोगे तभी समझ में आवेगी, वरना समझ में नहीं आएगी। ठीक है, कर दें शुरू? चलो आ जाओ। मुकाबलो बीजेपी और सपा ते तो कांग्रेस निशाने पे क्यों है? मायावती ने बीजेपी सपा के मुकाबले कांग्रेस को निशाने पर क्यों लियो है? कारण जान लो अब क्यों लियो है। ठीक है, वर्ष 2022 के शुरू में ही उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। स्वाभाविक है, चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह कोशिश में जुट गई हैं। इन्हीं पार्टियों में से एक है बहुजन समाज पार्टी, जाकि प्रमुख मायावती। बहुजन समाज पार्टी यानी BSP ने भी अपनी तैयारी और रणनीति को लेकर अभी तक ही कमर कस ली है। वैसे BSP ने उत्तर प्रदेश में पहले ही अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, जबकि पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन को ऐलान करो है। यही के मद्देनज़र मायावती ने 27 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और दूसरी पार्टियों के मुकाबले कांग्रेस को ज़्यादा निशाने पर लियो है। आखिर क्यों लियो है, ये सवाल या लिए पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में या समय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में BJP को शासन है और वो भी जोरदार बहुमत के साथ, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, RLD और दूसरी छोटी पार्टियों के संग गठबंधन करके काफ़ी मजबूत स्थिति में दिख रही हैं। तो फिर वैसी कांग्रेस मायावती के निशाने पर क्यों आई? या को आधार उत्तर प्रदेश में काफ़ी कमजोर नज़र आवे है, वो भी पिछले कई वर्षों से। यही सवाल को जवाब हम तलाशेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन पहले कांग्रेस को लेकर मायावती ने क्या कही, यह बाइट सुन लो। नहीं करती है, अर्थात BSP कांग्रेस की तरह पैसा देकर पार्टी के लोगों को चुनाव में टिकट नहीं देती है, बल्कि चुनाव पर खुद अपना पैसा लगाने वाले लोगों को ही अधिकांश टिकट देती है, जिनका पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए हर प्रकार से योगदान होता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में जो बुकलेट जारी की है, यदि ये पार्टी इस बुकलेट में अपनी विरोधी पार्टियों पर कोई भी टीका टिप्पणी करने के साथ साथ अपनी इन सब कमियों को भी वर्णित कर देती तो ये बेहतर होता। अर्थात इस पार्टी द्वारा दूसरे पर उंगली उठाने की बजाय इनको पहले अपने घर को ही ठीक कर लेना चाहिए कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी व अन्य पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है, जैसे दूसरी पार्टियां होती हैं, बल्कि गरीब और मजलूमों की पार्टी है। तो सुनो, आपने, कांग्रेस सीधे सीधे मायावती के निशाने पे है। UP में एक तरफ जहां बसपा, BJP और समाजवादी पार्टी को मजबूत मानो जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को इन पार्टियों के मुकाबले काफ़ी कमजोर मानो जा रहा। तो फिर मायावती ने कांग्रेस को निशाने पर क्यों लियो? दरअसल कांग्रेस ने कुछ ऐसे कदम उठाए जा वजह थे वो मायावती के निशाने पर न सिर्फ आ गई हैं बल्कि आती रह में हैं। जैसो कि आपको पता है, यह समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और वहाँ जीते हुए BSP के 6 विधायकों ने कांग्रेस को हाथ थाम लियो हो, जा को लेकर मायावती ने सीधे सीधे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया हो, तभी थे मायावती के निशाने पर कांग्रेस बनी हुई है। संग ही एक और बड़ा कारण है, पंजाब में बहुजन समाज पार्टी को अकाली दल के संग गठबंधन करना है, जहां कांग्रेस की मजबूत सरकार है और वो फिर से सत्ता में वापसी की दावेदारी कर रही है। या लइया पंजाब की सियासत को भी या के लइया बड़ो कारण मानो जा सके है। लेकिन ये भी सच है कि बसपा को यूपी में जीत दर्ज करने के नहीं, सपा के साथ ही BJP को भी हराना होगो, जबकि कांग्रेस या फहरिस्त में इन दोनों पार्टी यानी सपा और BJP देखा भी नीचे है। हालांकि
मायावती ने सपा और बीजेपी को भी निशाने पर लियो है और यूपी की बीजेपी सरकार को तो बिल्कुल ही नाकाम बताया है। ऐसे में यह बात से भी इनकार नहीं करो जा सके कि मायावती अपनी रणनीति के अनुसार काम कर रही हैं। या लइया अभी ते ही के मानो जाने लगो है कि यह बार मायावती यूपी में अपनी जीत को लेकर पूरी तरह अस्वस्थ नजर आ रही हैं। दरअसल में है क्या भाई, कांग्रेस की तो आपको मालूम ही है कि 3 में न 13 में और बीन बजावे डेरे में उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो ऐसी हालत है। ठीक है, क्यों कि सपा नहीं, माफ करो, सपा नहीं, बसपा, बसपा हर प्रदेश में है, कम है या ज़्यादा है लेकिन है, और प्रदेश में का देश में ही है। तो जब कांग्रेस ने वहाँ उनके बहुजन समाज पार्टी के 6 तोड़ लिए, उन्होंने कांग्रेस को जो है दामन थाम लियो, तो पार्टी अध्यक्ष को तो बुरो लगे गई। ठीक है, उनके पंजाब में भी इलेक्शन है और वहाँ अकाली दल के संग गठबंधन कर लियो है बसपा सुप्रीमो ने, तो वहाँ तो विरोध करना पड़ेगा, राजनीतिक मजबूरी है। ठीक है ना, अब राजनीति ऐसी चर्चा तो चलती रहे और ऐसा तो करेंगे, राजनीति में तो कौन कहाँ कौन को दोस्त है कहाँ दुश्मनी निभानी है अपने हिसाब से तय करें, और जो सब कर रही हैं बहुत बढ़िया कर रही हैं। ठीक है, या मैं और ज़्यादा बात क्या करें, सब कछु आपके सामने आ गए, आप समझ गए होंगे। फिर नई और कई वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो, हमारे हौसला को भी बढ़ाते रहो, वीडियो ना चले तो हमारी भी बैटरी डाउन सी है जाए। ठीक है, बस बात यही तो है कि हमारा नाम है विपिन बेबाक, तो बेबाकी थे जो दिल में आवे वही ये कह दीजिए। ठीक है, बुरो मत मानियो कोई बात अगर गलत सलत निकल जा तो। ठीक, नई वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी, देसी देख बिगर ब्रेक पिगर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।